नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय लाठर स्टार विल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आईपीएल है वो हाल ही में मुद्दे पे है। बीसीसीआई ने आईपीएल में जो टाइटल स्पॉन्सर है वो वीवो को हटा के टाटा ग्रुप के हाथ में सौंप दी गई है, उसकी मेजबानी। तो हम थोड़ा सा आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमें पता है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसको कंडक्ट करवाता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। प्रारंभिक संस्करण है जो आईपीएल का, वो 18 अप्रैल 2008 में हुआ था। उस समय इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो डीएलएफ था। प्रारंभिक संस्करण में विजेता टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी, और उप विजेता टीम थी इसकी वो चेन्नई सुपर किंग थी। इस समय इसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शेन वाटसन को चुना गया था। जैसे कि काफ़ी आईपीएल हो चुके हैं, लेकिन हमें परीक्षा के माध्यम से मेन मेन हैं वो आईपीएल देखने हैं। जैसे 13वां आईपीएल मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, 13वां आईपीएल है ये संस्करण 2020 में हुआ था दुबई के अंदर। उस समय इसका जो टाइटल था ड्रीम इलेवन था, और इस संस्करण में विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी। उप विजेता टीम इसकी दिल्ली कैपिटल थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें केएल राहुल को, जिन्हें ऑरेंज कैप मिली थी, और कगिसो रबाडा है इनको पर्पल कैप दी गई थी। और जैसे कि काफ़ी जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे लगे हुए हैं जो भी टाइटल स्पॉन्सर हैं आईपीएल के, वो जैसे कि 2008 से 12 में डीएलएफ रहा, 13 से 15 पेप्सी रहा, 16 से 19 तक वीवो कंटिन्यू दो बार इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा। 19 तक 20 में आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन था, और 2021 में वीवो कर दिया, और 2022-23 में इसका 2 साल तक जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा ग्रुप के हाथ में दे दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। आइए हम आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आईपीएल का जो 14वां संस्करण हुआ है 2021 के अंदर, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ है। इसका टाइटल है वो वीवो है, इसका टाइटल है वो वीवो है, और इस संस्करण है ये जो 14वां संस्करण है इसका, इसकी विजेता टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, और इसकी उपविजेता टीम है वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस संस्करण के, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो क्रिस मॉरिस हैं, और इस 14वें संस्करण में ऑरेंज कैप है वो ऋतु राज गायकवाड़ को दी गई है। जो ऑरेंज कैप है वो बल्लेबाज होते हैं वो उनको दी जाती है, जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं उनको दी जाती है। पर्पल कैप है वो हर्षद पटेल को दी गई है, जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करता है वो उसको दी जाती है पर्पल कैप। आईपीएल में अब 2022 से 10 टीमें खेलेंगी यानी भाग लेंगी 2022 के बाद। पहले इसमें 8 टीमें खेला करती थी, और आईपीएल 2022-23 का जो टाइटल है टाटा ग्रुप है, इसकी घोषणा आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं बृजेश पटेल, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई कि जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर वो वीवो से हटा के टाटा ग्रुप किया जाएगा। और वर्तमान में आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं बृजेश पटेल हैं, ये आपके समक्ष आईपीएल की पूरी जो वीडियो थी वो मैंने रख दी है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।